इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा क्षेत्र के कोतवाली डिडोली घटना सिवोरा से नीलीखेड़ी रोड की है। पुलिस द्वारा मुठभेद गैंगस्टर अभियोग में वांछित शातिर गोकर्ष अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध असलहा व एक संदिग्ध मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बरामद हुई। गिरफ्तार घायल अभियुक्त फहीम उर्फ अंटा शातिर गोकर्ष अभियुक्त है, जो थाना गजरोला पर पंजीकृत मुकदमा धारा संख्या 302/23 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध गोकशी गैंगस्टर पंजीकृत है। इंडियन टीवी न्यूज पर अमरोहा से शाहिद अहमद की रिपोर्ट। थाना डिडोली क्षेत्र में डिडोली के प्रभारी निरीक्षक जब सिवोरा रोड पर गश्त व चेकिंग पर थे, उसी दौरान एक व्यक्ति उनके सामने मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो वह सिवोरा रोड से नीलीखेड़ी रोड पर भागा। उसका पीछा करने पर वह व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर खेतों की तरफ भागा तथा उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया और जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ दो फायर किए गए, जिसमें एक फायर उस व्यक्ति के पैर पर लगा। उस व्यक्ति के घायल होने के उपरांत उसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। उस व्यक्ति की पहचान एक फहीम अंटा नाम के व्यक्ति के रूप में हुई, जो थाना डिडोली क्षेत्र का ही रहने वाला है तथा थाना गजरोला के गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में वांछित के रूप में है। उसके विरुद्ध पूर्व से ही 10 अभियोग पंजीकृत है। वह एक शातिर गोकस है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा एक खुका कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। अब अभियुक्त के विरुद्ध संगत धारा में अभियुक्त पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।